साथियों जय हिंद, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारा देश इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, इसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में देश के तमाम नागरिक, तमाम संस्थाएं, तमाम औद्योगिक संस्थाएं, तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम राजनीतिक दल इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। हर तरीके से अपना अपना योगदान इस देश का प्रत्येक नागरिक दे रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। वो ऐसे क्योंकि हमारे देश में कानून है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत हमारे देश की जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनको अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ता है। अभी 28 मार्च को ही केंद्र सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया कि यदि कोई कॉरपोरेट कंपनी राज्य के राहत कोष में, यदि मुख्यमंत्री राहत कोष में किसी राशि को दान करती है तो वो CSR में नहीं जोड़ी जाएगी। यदि वही राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में या केंद्र के राहत कोष में दान की जाए तो उसको CSR के अंतर्गत गिना जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि राज्यों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? क्या आप जानबूझकर इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं ताकि जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो सीधे केंद्र को दान करें, वो राज्य को दान न करें? क्या इस लड़ाई में राज्य की भूमिका नहीं है? क्या हमारी राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं? ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करूं कि आप तत्काल प्रभाव से ऐसे आदेशों को वापस लो और जो भी दान करे, चाहे वो राज्य के कोष में करे चाहे वो केंद्र के कोष में करे, दोनों को ही CSR की श्रेणी में लाया जाए और राज्य के साथ अन्याय न किया जाए। जय हिंद।